स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए शनिवार को भारतीय डाक विभाग की ओर से प्रभात फेरी में एक वाहन रैली निकाली गई। शहर के प्रधान डाकघर से निकाली गई वाहन रैली में डाक मंडल ब्यावर तथा प्रधान डाकघर के कार्मिकों ने भाग लिया। डाकघर अधीक्षक विजय सिंह जैन के नेतृत्व में निकाली गई वाहन रैली के दौरान सभी कार्मिक अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए भारत माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने हेतु आमजन से अपील कर रहे थे। मुख्य डाकघर से शुरू हुई तिरंगा वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मुख्य डाकघर पहुंचकर संपन्न हुई। वाहन रैली में अधीक्षक वीएस जैन, डाकपाल अजय कुमार, कार्यवाहक अधीक्षक परिवाद पीयूष बंसल, सहायक डाकपाल पदम दास, महादेव मीना, अरुण कुमार शर्मा, गोविंद प्रसाद राव तथा श्रीमती भावना जांगीर सहित ब्यावर डाकघर में मंडल कार्यालय के सभी कर्मचारी शामिल थे। अधीक्षक डाकघर विजय सिंह जैन ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रत्येक नागरिक के घर पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस हेतु आमजन ने जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय डाक विभाग की ओर से प्रभात फेरी तथा तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से आमजन को हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी देते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया है। जैन ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघर से मात्र 25 रुपए में तिरंगा बिक्री किया जा रहा है। कोई भी शहरवासी प्रधान डाकघर ब्यावर से 25 रुपए कीमत में तिरंगा झंडा प्राप्त कर सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इसी के तहत आमजन में जागरूकता हेतु आज भारतीय डाक विभाग ब्यावर द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी और वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय डाक विभाग ब्यावर मंडल और ब्यावर प्रधान डाकघर के सारे हमारे जो कर्मचारी साथीगण हैं, इन्होंने आमजन में जागरूकता फैलाने हेतु हर घर तिरंगा अभियान को सक्सेस बनाने हेतु हमने ये कार्य किया और इसे हम 15 अगस्त तक आगे भी जारी रखेंगे।